हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस से आए हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से होगा। माना जा रहा था विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत के कारण भाजपा अपना राज्यसभा उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन हर्ष महाजन को मैदान में लाने के कई मायने हैं। दरअसल भाजपा की नजर कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर अभिषेक मनु सिंघवी के कांग्रेस से उम्मीदवार बनने पर भाजपा बाहरी का मुद्दा भी उठा सकती है। माना यह जा रहा है कि हर्ष महाजन की कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों से नजदीकियां भी हैं, क्योंकि हर्ष महाजन वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में वो वीरभद्र गुट से संबंध रखते हैं और इस वक्त प्रतिभा गुट के कुछ विधायक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिख रहे हैं। भले ही कांग्रेस के पास विधायकों का बहुमत हो, लेकिन फिर भी भाजपा को उम्मीद है कि वो हर्ष महाजन के जरिए कुछ विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा कर राज्यसभा चुनाव जीत सकती है। फिलहाल भाजपा के इस दांव से कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ गई है।